हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, चने और पालक की टेस्टी सी दाल, जिसके लिए मैंने ली है थोड़ी सी चने की दाल, जिसे मैंने धुल के कुकर में डाल लिया। फिर डाला उसमें मैंने थोड़ा सा नमक टेस्ट अनुसार और थोड़ी सी हल्दी, और डाल के हम 4 से 5 सीटी लगा लेंगे जब तक दाल अच्छे से पक ना जाए। और मैंने पालक को धुल के रख लिया था, उसे कट कर लिया है। उसके बाद मेरी दाल जब मैंने खोल के देखा ये पक गई थी, मतलब थोड़ा थोड़ा सा। चने की दाल लगभग ऐसे ही पकती है। अगर और पकाना है तो और भी सीटी लगा सकते हैं। फिर मैंने एक पैन रख दिया, पैन में मैंने डाला खूब सारा लहसुन, एक लाल मिर्च, थोड़ा सा प्याज और एक हरा कटा हुआ मिर्च, जीरा, इन सबको डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। फिर डालेंगे इसमें हम कटा हुआ टमाटर भी, इसे भी गला लेंगे। फिर डालेंगे बाद में कटी हुई पालक। अगर पालक डाल के आप दाल में सीटी लगाते हैं तो पालक का कलर कम अच्छा लगता है और टेस्ट भी कम अच्छा आता है। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और इसे हम फिर डालेंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग डाल के तड़का लगा लेंगे। मस्त वाली एक चने की दाल की बनके तैयार हो गई है। और इसे आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक की बाय बाय। Thank you.